तो जॉन सीना का एक बहुत बुरा स्टैट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आप लिटरली WWE को गाली देने वाले हो। क्या आपको पता है कि जॉन सीना ने लास्ट टाइम अपना सिंगल मैच WWE में कब विन किया था? तो जॉन सीना को ऑलमोस्ट 2000 दिन हो चुके हैं WWE में, जब जॉन सीना ने अपना एक सिंगल मैच विन किया था। एंड ये मैच जॉन सीना ने आई थिंक 2018 में HHH के अगेंस्ट रेसल किया था रॉयल रंबल के अंदर। मतलब भाई जॉन सीना का रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब चल रहा है करंट टाइम में WWE में, और शायद से ये रिकॉर्ड टूट सकता है अगर WWE सीना को इस रन के अंदर एक सिंगल मैच में विक्ट्री दिलवा दे। आपको कैसे लगा ये वाला स्टैट सुनकर कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। एंड भाई आज को लेकर एक मेजर अपडेट भी निकल कर आई है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। तो आज काफी इंटरेस्टिंग बात है आपके साथ शेयर करने के लिए, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। अगर आप मेरे साथ पर्सनली चैट में बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। एंड चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो शुरू करते हैं सबसे पहली अपडेट से। तो कल होने वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि कल आपको बॉबी लैशली ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पर देखने को मिलने वाले हैं। एंड कल हमें बॉबी लैशली का नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है ये भी पता चल सकता है। इसी के साथ कल रे मिस्टेरियो अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट LWO के मेंबर सैंटोस एस्कोबार के अगेंस्ट। एंड शार्लेट फ्लेयर का एक सिंगल मैच होगा बेली के साथ। बाकी एल ए नाइट भी कल जॉन सीना को ज्वाइन कर सकते हैं जिमी यूसो एंड सोलो सिकोवा के अगेंस्ट। एंड इनका ये हैंडीकैप मैच एक टैग टीम मैच बन जाएगा अगर एल ए नाइट ज्वाइन कर लेते हैं जॉन सीना को। तो कल का स्मैकडाउन भूल कर भी मिस मत करना। अगर आप स्मैकडाउन का रिव्यू देखना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अगली स्टोरी की बात करें तो जिंदर महल ने रोमन रेंस के बारे में बात बोली है कि कौन रोमन रेंस को डीथ्रोन कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि जिंदर महल ने खुद का नाम लिया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर जिंदर महल ने कहा है कि रोमन रेंस को सिर्फ एक ही बंदा हरा सकता है, एंड वो बंदा और कोई नहीं बल्कि खुद रोमन रेंस है। अब आपको होगा कि भाई इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि जब रोमन रेंस रिटायर होंगे तब भी वो हारेंगे अपना ये टाइटल। मतलब यार क्या ही स्टेटमेंट है भाई जिंदर महल की। वैसे तो कहते रहते हैं कि मुझे फाइट करनी है रोमन रेंस के साथ, और यहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बाकी आप क्या कहना चाहोगे जिंदर महल की स्टेटमेंट के ऊपर बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंकल हाउडी के बारे में। तो ब्रे वाइट के जाने के बाद बहुत सारे फैंस चाहते हैं कि अंकल हाउडी को लाना चाहिए WWE में ब्रे वाइट की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। एंड आप सुनकर शॉक हो जाओगे, क्योंकि HHH खुद चाहते हैं कि अंकल हाउडी रिटर्न आकर ब्रे वाइट की लेगेसी को आगे लेकर जाएं। आई डोंट नो क्या ये होने वाला है या फिर नहीं होने वाला। अगर अंकल हाउडी रिटर्न आएंगे तो वो नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल के अंदर ही रिटर्न आएंगे WWE में, अगर WWE के पास प्लान्स हैं अंकल हाउडी को लेकर। बाकी आप क्या कहना चाहोगे कि अंकल हाउडी को रिटर्न आना चाहिए या फिर ब्रे वाइट के साथ इस अंकल हाउडी वाले करेक्टर को भी री एंड कर देना चाहिए WWE को। तो शेमस के बारे में एक अजीब सी रिपोर्ट निकल कर आई है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ हफ्तों से शेमस हमें स्मैकडाउन पर नहीं दिखाई दे रहे। तो शेमस के साथ क्या सीन है, फाइनली इसकी रिपोर्ट निकल कर आ चुकी है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शेमस को कोई शोल्डर इंजरी वगैरह हुई है। मुझे नहीं पता ये कब हुई है, कैसे हुई है, कहां हुई है, मगर हां इतना पता चला है कि शेमस थोड़ा टाइम ऑफ लेने के बाद ही वापस आएंगे WWE में। अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट की तो शेमस का कॉन्ट्रैक्ट 2024 के एंड तक एक्सपायर होगा, तो होपफुली वो जल्दी से अपनी इंजरी को रिकवर करने के बाद वापस टेलीविजन पर। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट की। तो एज के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एज WWE में वापस आएंगे या फिर एज AEW को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि AEW को लेकर काफी सारी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। एंड ये रूमर तब से निकल कर आ रहे हैं जब से एज ने अपना रिटायरमेंट मैच रेसल किया था शेमस के अगेंस्ट। तो रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30 सितंबर को, मतलब के कल के दिन, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा एज का WWE के साथ, एंड वो WWE से बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगे। एंड इसी के साथ कल रात WWE ने एज को अपने इंटरनल रोस्टर की लिस्ट से एज को रिमूव कर दिया है, एंड ये ऑफिशियल तौर पर किया है। एंड चांसेस काफी ज्यादा है कि एज AEW को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि एज के जो पुराने दोस्त है क्रिश्चियन वो भी AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, तो वहां पर एज अपना कैरियर बना सकते हैं AEW में जाकर। बाकी एज का अगला स्टेप क्या होने वाला है ये ऑफिशियली 2-3 दिनों के अंदर पता चल जाएगा, एंड जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके साथ चैनल पर शेयर कर दूंगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या एज को AEW को ज्वाइन करना चाहिए या फिर स्टिल WWE के साथ ही काम करना चाहिए, कमेंट्स में अपनी थर्ड एम्पायर वाली राय जरूर ड्रॉप करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, यानी WWE की और अपडेट्स जानने के लिए बिना किसी टेंशन के चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो मेरी जान।